तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं वृंदावन बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। वहाँ पर मैंने कई चीज़ें सुनी हैं अच्छी अच्छी। देखो अधिकतर व्लॉग वाले क्या बताते हैं ना, जो रियलिटी अच्छी अच्छी चीज़ें होती वो बताते हैं, और जो कुछ बेकार वाली चीज़ें होती उसे छुपा देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर जो भी सच्ची बात है वही आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि गंदी गंदी चीज़ें मैंने कुछ वहाँ पे सुनी है। मतलब गंदगी वहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, साफ़ सफाई इतनी नहीं है, नाली का पानी अंदर जाता है, ऐसा मैंने बहुत कुछ सुना है। वहाँ पे जाऊँगा, सारा कुछ आपको ए टू जेड बताऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैं झूठ नहीं बोल सकता। भाई जा रहा हूँ वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए उनकी नगरी में। अब उनकी नगरी में ही खड़ा होकर के भाई उनके बारे में अगर कुछ गलत चीज़ें बोलूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान वहाँ पर विराजमान नहीं करते जहाँ पर गंदगी रहती है और जहाँ पर उनका सम्मान नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं बांके बिहारी जी के वृंदावन। गाड़ी लगा दी पार्किंग पे, अब जा रहे आगे पैदल पैदल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। अच्छा प्राइस अरे 50 रुपये बन गो। तो भैया आप देख सकते हैं गलियां टोटल भरी रहती है वृंदावन की हमेशा। ये कोई तीज त्यौहार का समय नहीं है, हमेशा कभी भी किसी भी टाइम हो, चाहे छुट्टी का टाइम हो और चाहे ड्यूटी के टाइम हो, गलियां भरी रहेंगी। आप देख सकते हैं बोर्ड, भाई हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के पास में। बोर्ड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज श्री धाम वृंदावन। तो भाई हमें बताया गया है कि मंदिर अभी खुला नहीं है, हम बहुत जल्दी आ गए हैं, 3 बजे आ चुके हैं। मंदिर जो खुलते हैं 5:30 बजे या 5:30 बजे, टोटल वृंदावन के जितने मंदिर हैं। तो चलो जब तक भाई हम कुछ खा पी लेते हैं। तो भाई अभी हम जितनी जगह पे भी गए लगभग सारे ही मंदिर बंद हैं, 4:30 5 बजे तक सारे मंदिर खुलेंगे। बाकी वीडियो बहुत कम बना पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सब जगह भाई बंदर ही बंदर है, पता नहीं कब कहाँ से कोई छीन के ले जाए फोन, कुछ मालूम नहीं, इसलिए मैं बहुत ही संभल के बना रहा हूँ। यहाँ पे हर एक जगह छोटी छोटी जगह कुछ ना कुछ है। वहाँ ऊपर भोलेनाथ का मंदिर था, यहाँ देखो ये शिवलिंग है, यहाँ देखो ये बजरंग बली जी का इधर बना दिया छोटा सा, और बाकी पूरे मत भाई श्री राधा लिखी है, ये देखो। एक सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ, वृंदावन में अगर आप किसी भी मंदिर आओ, किसी भी मंदिर, बंदर से सतर्क रहे, नहीं तो आपको इस तरीके से फ्रूट भी देनी पड़ेगी, आपका चश्मा टोपी मोबाइल कभी भी कुछ भी छीन के ले जा सकते हैं। मैं खुद व्लॉग बहुत मुश्किल से बना पा रहा हूँ, बंदरों पर नज़र रख रख के बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ज़रा सी भी नज़रें झुकी और भैया मेरा हाथ से फ़ोन छीन गया और तोड़ ताड़ के वापस मिलेगा मुझे। ये देखो क्रेन लगा दी भाई, ऊपर महिला का पर्स लेकर के चला गया। तो यहाँ पर ध्यान रखो भैया, वीडियो को लाइक कर दो यार, देखो कितनी मुश्किल से रिस्क लेकर के वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फाइनली बांके बिहारी जी के मंदिर के गेट नंबर 1 पे पहुँच चुका हूँ, प्रसाद ले लेते अब हम। आप देख सकते हैं कितनी सारी है, जो मैंने आपको पहले भीड़ दिखाई थी वो लगभग मैंने 700-800 मीटर पहले के दिखाई थी, और उतनी ही भीड़ अभी भी यहाँ पे है। ये वहाँ का
मंदिर से बाहर का जो है ये मार्केट है, यहाँ से आप फूल ले सकते हैं चढ़ाने के लिए बांके बिहारी जी को। तो भाई फाइनली ये वो जगह है जहाँ तक लोगों की कतार लगती है मंदिर से। मंदिर से कम ये आप मान लो 20 मीटर तक कतार लगी है, उसके पीछे भी लग सकती है, 30 मीटर भी हो सकती है, 40 मीटर भी। यहाँ पे देखो लोग सेवा कर रहे हैं जनता की, ताकि जो गर्मी में है उनको राहत मिल सके। यहाँ पे ये थोड़ा भजन गाएंगे, जो टाइम बचा है जिससे लोगों को मनमोहित कर सके। यहाँ पे पंखे लगे बड़े बड़े, ताकि लोगों को जो गर्मी लग रही है उससे राहत मिल सके। ये मुझे दिक्कत दे रहा है बस, नाली का पानी ये जो है मुझे पूरा घटिया लगा मामला। यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा, लेकिन ये जो नाली का पानी है, नाली का पानी जाता है हमारे ही पैरों से मंदिर के अंदर। जो यहाँ का सांसद या MLA या निगम पार्षद कोई भी है भैया, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये मेन जगह है भाई, हम गेट के बाहर खड़े हैं, यहीं से हमारा पैर जाता है नाली में संद करके मंदिर के अंदर। क्या आपको लगता है कि जहाँ पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बांके बिहारी जी का, ऐसी जगह पे बांके बिहारी जी विराजमान करेंगे? तो भाई मुझे तो बांके बिहारी जी की चिंता है, उनकी फ़िक्र है, इसीलिए मैंने इसको इग्नोर नहीं करा, आप तक पहुँचाया। अगर आप भी चिंता या फिक्र करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यहाँ पर साफ़ सफाई हो सके और मंदिर के अंदर नाली का पानी ना जा सके पैरों के माध्यम से। लो कर लो बाके बिहारी जी के दर्शन, काफ़ी कड़ी तपस्या मेहनत करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं। बहुत भीड़ थी भाई, अंदर देखो अंदर भी कितनी भीड़ है। चलो हम ऑफलाइन कर रहे हैं लेकिन आपको ऑनलाइन करा दे रहे हैं, देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। आगे जो आप देख रहे हैं वो VIP की भीड़ है भाई, हर जगह भीड़ है, हर एक जगह भीड़ ही भीड़ भीड़ ही भीड़। यहाँ पर थोड़ा डर भी लगता है कोई चुरा चुरू ना ले फ़ोन, इसलिए फ़ोन को भी उठा करके आप तक दिखाना पड़ता है, नीचे फ़ोन नहीं रख सकते। ये देखो भीड़ भीड़ भाई बहुत है, बांके बिहारी जी के दीवानगी इतने ना, यहीं से आप देख लो। ये देखो ये फ्री